जमीन में ऐसी ऐसी जगह आवंटित कर दिया कि उस जगह पर रखा है और उसमें क्या रखा है कि नदी नालों की जमीन का सह परिवर्तन नहीं हो सकता और इसी प्रकार एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में मुझसे लोग मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी और यहाँ जिस प्रकार का की सड़कों की मैंने हालात देखी, यहाँ चिकित्सालय मुझे जाने का मौका मिला, जर्जर अवस्था चिकित्सालय की देखी, यहाँ एक ही अधिकारी के पास वीडियो ईओ का चार्ज एक अधिकारी के पास और नियत करिश्मा भी हमने यहाँ देखा और मैं समझता हूँ कि अब समय के चक्र के साथ चुनाव आएंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। लंपी का कहर पूरे राजस्थान में है, सरकार खुद कह रही है कि 12 लाख से ज़्यादा गोवंश संक्रमित हो गया है, 50,000 के लगभग मृत्यु हो गई है, आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम चालू नहीं हुआ, दवाइयों का प्रबंधन नहीं, सरकार के पशु चिकित्सालय सारे खाली पड़े हैं, पशु गोवंश के सब का निस्तारण भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अब सरपंच गणों ने मांग की है कि गायें इतनी ज़्यादा मर रही है कि उनके गो के शव का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए हमें फंड दो। मैं समझता हूं कि अभी विधानसभा का सत्र परसों से प्रारंभ होगा और जिस प्रकार के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कलई खोल दी एक बार फिर, 2019, 2020, 2021 तीनों सालों में दुष्कर्म में राजस्थान फिर पहले पायदान पर आया। पिछले साल जो अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए अनुसूचित जाति पर, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर आया। साइबर क्राइम में राजस्थान चौथी पायदान पर आ गया। बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर आ गया। प्रतिदिन 17 अबलाओं के की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है। ये गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और इन्हें ललकारते भी हैं।